आईटी सोपोर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आशिक हुसैन जकी का शपथ समारोह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के ऐतिहासिक डाक बंगला सोपोर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो वही समारोह में तहसीलदार सोपोर श्री शेख तारिक की उपस्थिति में रही, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मनाने के लिए विभिन्न प्रमुख संगठनों के प्रमुख उल्लेखनीय हस्तियां, नागरिक समाज के सदस्य और मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे। श्री जकी ने पद की शपथ ली और अगले दो वर्षों के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें शहर के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मुख्य अतिथि ने इस पद के लिए श्री जकी की क्षमताओं की प्रशंसा की और सोपोर की चुनौतियों को हल करने में अपना समर्थन देने का वादा किया। हमने एग्जीक्यूटिव को भी वोट देने का हक जो है दिया, और सिविल सोसाइटी सोपोर की हिस्ट्री में यह पहला इलेक्शन हुआ जहां पर तकरीबन 50 अफराद ने अपने वोट जो है कास्ट किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो 50 अफराद थे, ये सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें छोटी बड़ा के मौजूद ताकि कल के बावजूद मगर यह जिम्मेदारी ज्यादा कह तुम तोजह लूकन अगर तंजीम कारोबार सिवा की सोसाइटी फर्ज आई सपा तुम तहत हकूक बजाय कर आपके पास ये वादा रहा आपके साथ ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर इस्लाम, ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री, ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल इंडस्ट्री, ऑन बिहाफ ऑफ मेरी छोटी बहन को आप हमें हर हमेशा जब भी बुलाओगे आप हमें देखोगे आपके दोस्त से हम इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी दिल की उन्हीं गहराइयों से मोहतरम आशिक साहब को चेयरमैन सोसाइटी की तरफ से, आशिक साहब को ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के अपने रुकता की तरफ से दिल की उन्हीं गहराइयों से मुबारक बात से और उम्मीद करता आशिक साहब अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे और सोपोर की भलाई के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सोपोर के इन वन वॉइस हम काम करेंगे, सारे जो ऑर्गेनाइजेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक जमा जगह होकर और इनसे सोपोर को नया सोपोर तैयार करने में अपना रोल अदा करेंगे और आशिक साहब की भी इंशाल्लाह भरपूर हिमायत और मदद करेंगे। शुक्रिया जी।